करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ इमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने का सालन, यानी कि इसका शोरबा बनाएंगे। और ये मैंने 2 कप के करीब मैंने चने लिए, इनको मैंने रात को भिगो दिया था। तो आप ये दिन को भी भिगो सकते हैं, लेकिन इनके लिए गर्म पानी चाहिए क्योंकि जो बहुत हार्ड होते हैं। तो इसमें जाएगा ये प्याज जाएगा, लहसुन जाएगा, 2 प्याज लिए मैंने और ये लहसुन लिए, 1 गट्टी लहसुन की है और ये 3 टमाटर हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देते हैं। और ये सुरख मिर्च है 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून है हल्दी और ये सूखा धनिया है और नमक है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें हमने पानी डालना है जितना कि ये हमारे चने जो हैं डूब जाएँ इसमें और ये गल जाएँ। इनको हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं, एक तरफा इसको हमने हिला लेना है अच्छी तरह से, सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। फिर हमने इनको सीटी लगानी है, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, पानी थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। इनको हमने रखना है 10 से 12 मिनट के लिए वेट पे, और हमने वेट कर रहा है। ये देखें ऐसे, अब इसको हमने भूना है तो बिल्कुल मैश हो जानी है हर चीज़, क्योंकि ये हर चीज़ गल चुकी है, चने भी सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए इनको भूनते हैं। अब घी डाल के इसमें ऑयल डालूंगी मैं, आपकी मर्ज़ी, आपने घी डालना घी डाल लें, मैं ऑयल डालूंगी 1 कप ऑयल मैंने डाल दिए, 1 कप डाले। अब इसको हम भून लेते हैं, पानी ड्राई करेंगे इसका, इसको जितना भूनेंगे इतना इसका टेस्ट बन के निकल के आएगा। ये देखें पानी ड्राई हो गया, लेकिन इसमें ऑयल सेपरेट होगा, फिर सब देखेंगे भून लिया हमने। अभी इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, इसको हल्का हल्का आने लग गया, जितनी इसकी भुनाई होगी इतना ये टेस्टी बनेगा। ये देखें अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें पानी ऐड करना है हमने, कितना पानी लेना है हमने, जितना हमने हमें शोरबा चाहिए। चलिए इसमें पानी ऐड करते हैं, पानी को चाहे आप बॉयल दे के डालें चाहे ऐसे भी डाल लें। अब ये देखिए पानी हमने ऐड कर दिया है, और पानी को बॉयल आएगा तो उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट इस पानी को पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, ये देखें शोरबा इसका ऐसे बनाएं, ना प्याज लैदा होगा, ना लहसुन, ना टमाटर, ये देखें कैसे ग्रेवी बनी है इसकी, ये बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है चने, ये आप देख सकते हैं। एंड में हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला, ये देखें सालन बिल्कुल रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं आप। काले चने का सालन रेडी है, इसको चाहे रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये, गोश्त से भी ज़्यादा इसका जायका बन जाता है अगर ये सही तरीके से बनाया हो। तो मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।